हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक एंड कैलेंडर चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चों ने यहां पे मैसेज करके बोला था कि क्लॉक और कैलेंडर चैप्टर एक ही वीडियो में मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा दूँ। वैसे तो मैं दोनों चैप्टर आपको सेपरेटली कवर कराए थे बहुत ही अच्छे तरीके से, और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लॉक और कैलेंडर की सो ट्रिक। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोज़ मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं। RPFSI के 20 टेस्ट 199 रुपये में, कॉन्स्टेबल के लिए 20 टेस्ट 149 रुपीज़ में, और यहाँ पे 30 रुपये का डिस्काउंट भी है, और डिस्काउंट कोड है SORABSPIL। आप इस कोड को भर के 30 रुपये का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लेता हूँ। वैसे तो वीडियो छोटी रहेगी और उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। देखिए, ये एक घड़ी है और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई के बारे में, ठीक है, कि कितनी घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये सब कुछ कैसे निकालते हैं। वैसे चीज़ें बहुत ईजी है, बट आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं घंटे की सुई के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे एक घंटे की सुई पूरे 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आप खुद सोचिए, एक घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है ना भाई। घंटे की सुई ऐसे घूमती है पूरी की पूरी, तो 12 घंटे में, एक घंटे में एक यहाँ आई, दो घंटे में यहाँ आई, तो पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री का एक कोण बनाएगी। अगर मैं बात करूँ कि घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कैसे करना होता है, एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है घंटे की सुई, तो एक घंटे में 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण है, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 5 × 15, यह आपका 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है कि 2 घंटे में कितना डिग्री का बनाएगी, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक घंटे की सुई 5 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे की सुई 8 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। फिर मिनट में भी पूछा जा सकता है कि एक मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको क्या करना है भाई, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 30 को आप डिवाइड करेंगे 60 से, तो 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। तो ठीक है, यहाँ तक सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलिए अब यही बिल्कुल बात करेंगे हम मिनट की सुई के बारे में, कि मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट की सुई अगर देखा जाए तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बनाएगी। एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 को 60 से भाग कर देंगे तो 6 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब यहाँ पर भी आपसे ये पूछा जाता है कि मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, बस सीधा सीधा, तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना, अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक दो वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ इसी पे ही, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा तो उनमें मैं ये दोबारा से चीज़ें कवर कर लूँगा, ठीक है। बट बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। चलिए, 360 को मैंने 60 से डिवाइड किया तो 6 डिग्री का कोण बन गया, और ये आपका कितना हो गया, पूछा कि 10 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। पूछा जाए 20 मिनट में कितने का बनेगा, तो 6 की 20 में करेंगे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। तो इस तरीके से कोण निकाले जाते हैं। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही करा रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारी ट्रिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में, बस आप वीडियो को देखते रहिए, अगर समझ में आए तो लाइक करते रहिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है सेकंड की सुई का कोण। अब यहाँ पे सेकंड की सुई का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो मिनट की सुई का है। अब एक सेकंड की सुई 60 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो पूरा 360 डिग्री का, क्योंकि आपका देखिए घंटे में पूरा इस तरीके से घूम के आएगी, तो पूरा जो ये गोल चक्कर काटेगी ये पूरा 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनाएगी ये सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई
5 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 10 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो बस आपसे ये आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनता है, 1 मिनट में भी 6 डिग्री का कोण बनता है, और 1 घंटे में आपका 30 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे कितने भी घंटे, कितने भी मिनट और कितने भी सेकंड का पूछ लिया जाए कोण, आप उसमें बस मल्टीप्लाई करिए और आंसर लगा दीजिए। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस टाइप वन पे। टाइप वन है आपका घंटे में मिनट की सुई के बीच का कोण। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 बज के, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, 3 बज के 25 मिनट पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो बस आपको एक ट्रिक पता होनी चाहिए, ये वाली ट्रिक। ठीक है, ट्रिक क्या है, 11 मल्टीप्लाई मिनट -60 मल्टीप्लाई घंटे √2। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप इसी क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर लेंगे। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो टाइप वन है आपका घंटे में मिनट की सुई के बीच का कोण। तो यहाँ पे पूछा 3 बज के 25 मिनट पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए कितना जल्दी से हम इसको कर सकते हैं भाई, 11 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 मिनट की, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिखा है मिनट की, तो मिनट की मल्टीप्लाई कर दी, -60 मल्टीप्लाई घंटे कितने हैं, 3 बज के पूछा गया, तो 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो यहाँ पे 11 की 25 में करेंगे 275 और 60 की 3 में करेंगे 180। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 95, और 95 की 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 47.5 डिग्री का कोण बनेगा 11 बज के 25 मिनट पर। आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर होती चल रही होंगी, और ये क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में मिलेगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ पे कुछ भी बोला जा सकता है, 5 बज के 25 मिनट पे, 5 बज के 50 मिनट पे, 5 बज के 30 मिनट पे, 8 बज के कुछ भी मिनट ले लीजिए, 9 बज के कुछ भी मिनट ले लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो बस आपको एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और ये ट्रिक पता चल जानी चाहिए, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे। चाहे आज ही आप अपनी बुक खोल के ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन 2-2 सेकंड में ही कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप टू है आपका 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि 7 से 7.5 के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 7 से 7.5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर कोई भी टाइम ले लीजिए, कोई भी टाइम हो सकता है वो आपका, कि 8 से 9 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसके लिए आपकी ट्रिक है ये, 60/11 × (समय) + -3। अब सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि ये +-3 कहाँ से है और ये क्यों इस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे 60/11 जो लिखा है, 60/11 लिखा है, और मल्टीप्लाई समय मैंने किया है, तो बस यहाँ पे इतनी तो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये तो आपका फॉर्मूला ही है, ट्रिक ही है। अब जो +-3 है, इसका रीज़न ये है कि जब आप समय 6 से कम होगा, यानी कि यहाँ पे बोल दिया जाए कि 5 बज के 25 मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे देखिए 5 और 5.5 के बीच में पूछ लिया जाए, तो ये 5 जो हो गया 6 से कम है, तो उसमें हम +3 कर देंगे, और समय 6 से ज़्यादा होगा यानी कि जैसे 7 है, तो उसमें से -3 कर देंगे। समझ गए, तो बस इस ट्रिक में हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को। देखिए 60/11 लिखा है यहाँ पे है 7 बज के 30 मिनट पे, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 बज के 7.5 बजे की बात की जा रही है, 7 और 7.5 के बीच में, तो यहाँ पे जो पहले वाला टाइम होगा ना 7, उसको आपको लेना है, तो 7 माइनस यहाँ पे, और ये 7 किससे बड़ा है, 6 से, तो -3 लिख देंगे। तो पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, 2 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा भाई वीडियो को, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो यहाँ पे 60/11 लिखा है, × 7 - 3 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 60/11 × 4, तो कितना हो जाएगा, 240/11, तो 21 पॉइंट, यानी कि 21 सही 9/11 आपका हो जाएगा, ये 21 सही 9/11 आपका आ गया। बट ये आंसर नहीं है, अभी आंसर क्या होगा, 7 के बाद प्लस करना है आपको 21 सही 9/11, तो 7 + 21 सही 9/11 कितना हो जाएगा, 7.21 मिनट, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 7 बज के 21 मिनट पे 9/11 सेकंड पे आपका कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। 7 और 7.5 के बीच में अगर पूछा जाता है तो 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7 बज के 21 मिनट पे और 9/11 सेकंड में। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप थ्री आपका विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा बोल लीजिए या फिर बोल लीजिए 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 180 डिग्री का कोण भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे 90 डिग्री का पूछा गया वैसे 180 का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री के कोण में, चलिए मैं सबसे पहले तो आपको एक सिंपल सी चीज़ें बता देता हूँ। 180 डिग्री का कोण जो है 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। फिर वही बिल्कुल जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करके आए हैं,
60 बटे 11 गुना समय, बस अब की बार प्लस माइनस 6 कर दिया गया है। ऊपर क्या था, प्लस माइनस 3 था, अब की बार प्लस माइनस 6 कर दिया गया है। और यहाँ पे भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि समय 6 से कम है तो प्लस 6 करना है, और समय 6 से ज़्यादा है तो माइनस 6 करना है। समझा आप इस चीज़ को, समय 6 से कम है तो प्लस 6 करना है, और समय 6 से ज़्यादा है तो माइनस 6 करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको इसको इम्प्लीमेंट कर देना है पूरे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में पूछा है घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। समझे आप इस चीज़ को, घड़ी में 3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, आप सेकंडों में निकाल लेंगे। 60/11 गुना समय प्लस माइनस 6, तो 60/11 गुणा कर दीजिए यहाँ पे 9 की। 9 की क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए 3 मैंने लिया है समय, समय क्या है 6 से कम है, जब 6 से कम होता है तो 6 प्लस करते हैं, जब 6 से ज़्यादा होता है तो 6 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 6 प्लस कर देंगे। तो 60/11 गुणा 9 कर देंगे, बस इसको सोल्व कर लीजिए, 540 हो जाएगा, 60 की गुणा 9 में करेंगे और डिवाइड कर देंगे 11 से, तो कितना आएगा 49 कंप्लीट 1/11 आपका आ गया है। और ये कितना होगा, ये आंसर नहीं है अभी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार आपको ये आंसर ऑप्शन में मिल सकता है, आपको ये लगाना नहीं है, अभी पूरा आंसर जब आएगा जब आप इसे 3 में प्लस कर देंगे, तो 3 में प्लस करेंगे तो कितना जगह 3.49 कंप्लीट 1/11 यानी कि 3:49 और 1/11 सेकंड पे आपका ये 180 डिग्री का कोण बनेगा 3 और 4 के बीच में। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अगर क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट रहता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि टाइप 4 ओवरलैपिंग वाली कंडीशन। देखिए ओवरलैपिंग वाली कंडीशन भी बहुत आसान है, अगर आपको पता है इस ट्रिक का तो आसान है, और नहीं पता है तो ये हार्ड भी हो सकती है आपके लिए। तो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन क्या है कि एक सीध में घंटे व मिनट की सुई कब हो सकती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 8 से 9 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई ओवरलैप कितनी बार करेगी या फिर कब करेगी। ये ओवरलैप मीन्स आपका एक दूसरे के ऊपर कब आ जाएगी, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 8 और 9 के बीच में घंटे में मिनट की सुई ओवरलैप कब करेगी। तो 60/11 गुना समय जो भी दे रखा होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। समय में ध्यान रखिएगा 8 और 9 के बीच में पूछा है तो 8 आपको समय लेना है, ठीक है। 7 और 9 के बीच पूछा जाए तो 7 आपको समय लेना है, 5 और 6 के बीच में पूछा जाए तो 5 आपको समय लेना है, यानी कि पहले वाला समय लेना है, दूसरे वाला नहीं लेना है, ठीक है। चलिए 60/11 की मल्टीप्लाई आपने 8 में कर दी और इसको कितना हो जाएगा 480/11, ये तो कितना हो जाएगा 43 सही 7/11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अभी ये आंसर नहीं आया 43 सही 7/11, इसे 8 में प्लस करना पड़ेगा। तो 8 में प्लस करने के बाद में क्या हो जाएगा 8:43 यानी कि 8:43 पे 7/11 सेकंड पे आपका ये ओवरलैप करेगी 8 और 9 के बीच में। तो है ना आसान बिल्कुल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और पूरी वीडियो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आपने इससे पहली वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है जो कि मैंने कल अपलोड की थी, उसमें कैलेंडर चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और आज उसके मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक अभी मैं यहाँ पे पिन में दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको ये अच्छे से समझ में ना आए तो। बाकी पूरी कोशिश रहेगी मेरी यहाँ पे भी मैं आपको ये कैलेंडर चैप्टर अच्छे से समझा दूँ। यहाँ पे है देखिए क्लॉक वाले चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अगर कोई डाउट रहा है या फिर और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर बता दूंगा या फिर वहीं पर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तब 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए 18 फरवरी 1997 मंगलवार यानी कि ट्यूजडे था आपका, तो 18 फरवरी 1998 को आपका बुधवार हो जाएगा यानी कि वेनसडे हो जाएगा, और 18 फरवरी 1999 को पूछा है तो नेक्स्ट आपका ये मतलब बोलने का ये है कि एक एक बढ़ाते जाइए, एक एक बढ़ाते जाएंगे, गुरुवार यानी कि थर्सडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप इस चीज़ को, 18 फरवरी क्योंकि डेट सेम है, ठीक है, ये डेट सेम है आपका और ये 1997 आपका लीप ईयर नहीं है, तो ये आपको क्या करना है बस एक एक बढ़ाते जाना है। 18 फरवरी 1997 को मंगलवार, तो आपका 18 फरवरी 1998 को बुधवार, और 18 फरवरी 1999 को गुरुवार यानी कि ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये बढ़ाना है। नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 14 नवंबर 1999 या फिर कोई भी डेट पूछ ली जाए, बस आपको ये पता होना चाहिए ट्रिक क्या है ये, 14 नवंबर 1999 को कौन सा दिन था या फिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये भी आप सेकंडों में निकाल सकते हैं, बस आपको मंथ के कोड पता होना चाहिए जो कि कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी,
एक तो यार मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं लगातार इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, आप ना ही लाइक कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो, ना ही इतनी वीडियोस को देख रहे हैं। तो अगर आप सारी वीडियोस को देख लेंगे तो आप RPF, कांस्टेबल, SI, SSC, GD, UP पुलिस सभी के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ हैं। और आप सब बोलते हैं कि सेपरेट सेपरेट वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊँ, आप ये सारी वीडियोज़ देखते रहा करें जितने भी अपलोड करता हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके वही आता हूँ जो आपकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताते रहा करें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे आपको मतलब प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन में, वो भी बता दिया करें। नेक्स्ट वीडियो मेरे लिए उसी के आधार पे रहती है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट, मंथ, ईयर और लीप ईयर पता होना चाहिए। अब डेट क्या है, 14 नवंबर है, तो 14 आपने यहाँ पे लिख दिया। नवंबर के लिए कोड हमारा होता है 3। कोड की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, ये वाली PDF भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 मिल गया। अब ईयर कितना है आपका, 2000 से पहले, अगर 2000 के बाद में होता है तो हम 1900 माइनस करके लिखते हैं, और यहाँ पे हम इसे कितना लिखेंगे, 99। ठीक है, तो ये 99 आ जाएगा। लीप ईयर कितना हो जाएगा, 99 को डिवाइड करिए 4 से, तो कितना हो जाएगा आपका, 24 आएगा। तो ये 24 आपका लीप ईयर हो गया। तो इन सभी को प्लस करिए और 7 से भाग कर दीजिए। इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140, और डिवाइड करेंगे 7 तो आप ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 0 का मतलब है आपका संडे, तो संडे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब वही क्वेश्चन आपका दोबारा से मतलब पूछ लिया गया है, बस डेट चेंज कर दी है। तो अब की बार देखिए कैसे करना है, 15 अगस्त यानी कि डेट 15 हो गई, अगस्त के लिए कोड आपका 3 हो गया, ईयर आपका 47 हो गया, और यहाँ पे जो ये लीप ईयर होगा वो कितना होगा, 47 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 11 आ जाएगा। तो लीप ईयर आपका 11 होगा, डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो 76 डिवाइड बाई 7, तो 6 रिमाइंडर आपका बच जाएगा, 6 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। 6 रिमाइंडर का मतलब है क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि सैटरडे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं करने। और यही चीज़ मैं आपको हमेशा बताता आता हूँ कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताया करें कमेंट बॉक्स में आकर के, या फिर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर दे करें, सर ये वाला चैप्टर जल्दी से पढ़ाइए, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ जिसके मेरे को मैसेज मिलते हैं। ठीक है ना, तो अभी क्लॉक और कैलेंडर के कई दिनों से मैं मैसेज देख रहा था, तो थोड़ा टाइम कम था, बट मैं आपको करा दिया है। तो अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए एक दो क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये एग्जाम में आया था आपका RPF SI के एग्जाम में, तो जल्दी से एक बार ट्राई करिए। ये क्वेश्चन नंबर हम प्रैक्टिस का फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट का राइट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे आप 25 देख रहे हैं और यहाँ पे सॉरी 125 देख रहे हैं, यहाँ पे 25 देख रहे हैं, 125 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5, तो ये कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं इसको करूँ यहाँ पे 216 को 36 से डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर आएगा। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25 दिया गया है, तो यहाँ पे 36 और यहाँ पे 36 होगा, बट इसका कुछ ना कुछ लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ये चीज़ें दिखने में हो जाती है आंसर, बट कभी आंसर गलत भी आ जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 36 और 36 है, यहाँ पे 25 25 है, क्यों आया है यहाँ पे 25 25, ये 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 को 125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 को आप खुद ट्राई करेंगे, और इस लास्ट वाले क्वेश्चन का जो भी आंसर देगा मैं उसका आंसर, जो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन के साथ में बिना तुक्का मारे आंसर देगा, तो उसका कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, यानी कि सबसे ऊपर उसका आंसर कर दूंगा और उसको सब देख सकेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिएगा। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल से, टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे इनमें से कोई सी वीडियो मिल जाएगी आपकी, 10 अति महत्वपूर्ण पर्सन वाली वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।